राहुल गांधी सिद्धू मूसेवाला के घर वालों से मिलेंगे। राहुल गांधी दोपहर में पंजाब के मानसा में सिद्धू मूसेवाला के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में पुलिस ने पैर फिसलने से नदी में गिरे एक लड़के को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। कानपुर हिंसा के बीच वहां एक पेट्रोल पंप का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया। इसी पेट्रोल पंप पर बोतल में तेल देने का आरोप लगा था, जबकि नियमों के मुताबिक खुले में पेट्रोल नहीं दिया जा सकता। यूक्रेन की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आधुनिक और ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-300 का दम दिखाते नजर आए। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने इस डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रूस की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। और जो वीडियो जारी किया गया उसमें यूक्रेन की सेना का एक S-300 एयर डिफेंस सिस्टम एक सुनसान इलाके में तैनात दिखाई दिया, जिससे उसके जवान हमले की तैयारी करते नजर आए। यूक्रेन के सैनिक सबसे पहले उस एयर डिफेंस सिस्टम को लोड कर उससे ताबड़तोड़ मिसाइलें दागते दिखाई दिए, जिसके बाद आसमान में काफी देर तक उसकी गूंज सुनाई दी। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस की सेना की तरफ से दागी गई मिसाइलों को इसी डिफेंस सिस्टम से आसमान में ही तबाह कर दिया, जिसकी गिनती दुनिया के आधुनिक और घातक एयर डिफेंस सिस्टम में होती है, क्योंकि S-300 डिफेंस सिस्टम को लंबी दूरी के टारगेट को तबाह करने के लिए ही बनाया गया है। ये एयर डिफेंस सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइलों को भी हवा में ढेर कर सकता है। इतना ही नहीं, हवा में उड़ रहे लड़ाकू विमानों को ये पलक झपकते तबाह करने की ताकत रखता है, और इसमें लगा रेडार सिस्टम इतना आधुनिक है कि वो एक समय में कई टारगेट को ट्रैक कर सकता है। यही नहीं, इसके जरिए दुश्मन पर एक साथ कई मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं।